राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आपसी सुलह की पेशकश के बाद याचिकाकर्ता और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया। स्वामी ने कहा है कि 2018 में राज्यसभा में हमारा बहुमत होगा और तब विधेयक लाकर अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाएगा। आखिर में हिंदू मुस्लिम को एक इस देश में रहना है तो समझौता से ही रहना चाहिए और मूल बात को भूल नहीं सकते कि वहाँ एक पहले मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया और मस्जिद को अवैध रूप से तोड़ा गया, उस पर केस चल रही है। लेकिन वहाँ मस्जिद वहीं बनना है ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि मस्जिद कहीं भी बन सकती है, नमाज कहीं भी पढ़ाया जा सकता है। तो हम ऑफर दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कि आप मस्जिद सरयू नदी के उस पार बना लीजिए और हम यहाँ मंदिर बनाते हैं, और ये नहीं मानेंगे तो फिर हम कोर्ट में बहस करेंगे और 2018 को हमारी बहुमत होगी राज्यसभा में और उस तक फैसला नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर हम जाकर राज्यसभा से विधेयक पास कर देंगे और पास करके वहाँ राम मंदिर बनाएंगे। अयोध्या विवाद मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान आया है। बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फिरंगी मैली ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट के बाहर मामले में समझौते को तैयार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो अयोध्या के सिलसिले में उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपना दिया है, जो राय दी है, उसका हम सब ने इस्तकबाल किया है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने वेलकम किया है। और पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा है कि बात करने के लिए तैयार हैं, बात करने में कोई हर्ज नहीं है और कोई भी सल्यूशन जो कोई दोनों के लिए काबिल कबूल हो उसको माना जा सकता है और इसमें किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती या हठधर्मी जाहिर सी बातें नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से बोर्ड पहले से कहता आया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो हम मानेंगे, और जो कि सुप्रीम ही कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये राय दी है, तो हम ये समझते हैं कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। और अब आपको बताते हैं कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। स्वामी ने दलील दी थी कि मामला 6 साल से लंबित है, कोर्ट में जल्द से जल्द इसे सुना जाए। सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया, कहते हुए कि बेहद संवेदनशील मसला है, दोनों पक्ष बैठकर रास्ता निकालें तो बेहतर होगा, कोर्ट इस मामले में मध्यस्थता करने को तैयार है। तो इस अदालत की टिप्पणी के बाद कल से इस मामले में लगातार सुगुगाहट देखी जा रही है, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बीजेपी के भी तमाम नेताओं ने इसका स्वागत किया है और भी कई पार्टियों के नेता हैं जो लगातार इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपस में मिल करके जो कार्य हो जाए और बगैर झगड़े विवाद के, तो उसमें हम लोग का भी सहमति है। देखिए कि जब अगली बार ये हुआ था, साधु संत इतने लोग इतना संघर्ष किए, उस पे उस विषय में विचार किए, और हम सोचते हैं कि अब इस विचार को अपने में समेट लिया जाए तो अच्छा है। हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि वहाँ मंदिर भी बन जाए और कोई झगड़ा भी ना हो। ये आस्था का विषय है, इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा चाहता है कि दोनों तालमेल करके बैठ के सामंजस्य बनाएंगे, हमारी भी इसमें भागीदारी रहेगी। कोर्ट चाहता है कि कोई विवाद कोई ऐसा अशांति न फैले जिससे कि किसी को दुख पहुंचे। कोर्ट का ये विचार है कि दोनों पक्ष मिल बैठ करके सामंजस्य बना लें, वो तो पहले से ही भगवान राम का जन्मभूमि है ही है, उसको जन्मभूमि की व्यवस्था को सब कुछ खोजा गया, सब हुआ। अब सब मानते भी हैं, जानते भी हैं कि भगवान राम का जन्मभूमि अयोध्या है, फिर भी अगर कोर्ट के संज्ञान में कोई बात गया है तो वो उस पर विचार करते हैं।
देखिए, ये एक बेहतर राय है इस मुल्क की गरिमा के लिए, इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए। ज़रूरी है कि हम इस मामले को ख़त्म करें, और ख़त्म करने के साथ साथ इस पर कुछ अहम फ़ैसला लेना चाहिए। और ये पूरे मुल्क के हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो फीलिंग्स पैदा की जाती है इलेक्शन के मौके पर, उन सब चीज़ के खात्मे का एक बेहतरीन रास्ता होगा, और हिंदुस्तान एक बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ेगा। अगर इस पे हम सब मुत्तहिद होकर, हम सब एक होकर बैठ के बात कर लेंगे, तो उसका फ़ायदा होगा, नुकसान कहीं से नहीं है। उन्होंने मुल्क के इतिहाद को बाकी रखने के लिए उन्होंने इस फैसले को जो क्या कहते हैं इस्तकबाल किया, मैं भी उनका इस्तकबाल करता हूं। और उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, और इस पे दोनों तबके के लोगों को गौर करना चाहिए और उनके फैसले का इस्तकबाल करना चाहिए, और इसमें फैसले को मानने में भाईचारगी और मुल्क का इतिहाद बाकी है, इसलिए इसको मानने में कोई कबाहत नहीं है।